हम इस वक्त हैं कोरबा लोकसभा के कोरबा विधानसभा क्षेत्र में, और हम घंटाघर के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वीट ग्रास जूस ऑर्गेनिक ताज़ा ज्वारे का रस यहाँ पर मिलता है। और सुबह के वक्त जो मॉर्निंग वॉक में यहाँ निकलते हैं, जो अपने सेहत का बेहद ध्यान रखते हों, यहाँ पर आके जूस यहाँ जो ऑर्गेनिक जूस है उसका पीते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा जो भाई साहब हैं, जो व्यवसायी हैं, वो यहाँ पर जूस बना रहे हैं, और हम इनसे बात करेंगे। भैया, ये आमतौर पर हम देखते हैं शहर में मार्केट में तो फ्रूट जूस ज़्यादा मिलता है, ये अलग टाइप का जूस है, और सुबह आप यहाँ पर हैं, कब से आप दुकान लग रहे हैं, क्या खास बातें हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश विश्वकर्मा है, मैं फेस टू में निहारका में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे 6 साल हो गया है ऑर्गेनिक जूस पिला रहा हूँ, लोगों के हेल्थ के लिए लोगों को पिलाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। क्योंकि आज के डेट में आदमी एक बार मोबाइल तो रिचार्ज कर देता है, लेकिन अपनी बॉडी को रिचार्ज करने पर बहुत सोचता है, तो वो हेल्थ के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, जूस पीते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं। जैसे क्या क्या रखते हैं बताइए जरा, क्या कैसे कैसे बनाते हैं? करेले का जूस है जी, करेला का तत्काल यहाँ पे बनाता हूँ मैं। ये अपना आंवले का है, ये वीट ग्रास है जो हम लोग नवरात्र में लगाते हैं, जवारे का, ये हमारे पास जवारे का भी है, फ्रेश ताज़ा बनाता हूँ। गिलो है अपने पास, गाजर चुकंदर है, ये अपने पास लौकी का है। ये क्या है? ये है अपना, इसको इंग्लिश में वीट ग्रास बोलते हैं, ये गेहूं का है, और जो नवरात्र में हम लोग जो लगाते हैं जी। ये आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये अमृत का काम करता है, ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन को बाहर करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है जी। ये बताइए भैया, आप लोगों के शरीर को चार्ज करते हैं, अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, राजनीतिक चार्जिंग कैसे देखते हैं, कौन नेता चार्ज है, और क्या लगता है राजनीति किसका माहौल? माहौल के हिसाब से देखा जाए तो अभी के डेट में तो बीजेपी ही है, लेकिन कोरबा के जो राजनीति है अभी तक समझ में नहीं आया है कि किसके पक्ष में जाएगा। मतलब यहाँ पे भाजपा का जो राजनीति होना चाहिए, एकजुटता, वो एकजुटता नज़र नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन इतना है कि मोदी का जो लहर है वो आज 400 पार लेके जाएगा। क्या है, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जिससे आप लोगों को लाभ हुआ है? 400 पार की लगातार दावे बीजेपी कर रही है, आम जनता को क्या लगता है क्या काम हुआ है, महत्वपूर्ण काम? महत्वपूर्ण काम हम तो यही देख सकते हैं कि जो हमारी देश एक पिछड़े की ओर जा रही थी, आज उसी पिछड़े को आज मोदी जी एक आगे की ओर एक रफ्तार से ले जा रहे हैं, और हम शान से आज पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि हम एक भारतवासी हैं। देखिए, पूरे शान से वर्ल्ड कह सकते हैं कि भारतवासी। मोदी जी, आप बताइए कि कैसा माहौल देखते हैं देश में और कोरबा लोकसभा क्षेत्र? कोरबा लोकसभा में ऐसा लगता है कि इस समय परिवर्तन की कोई दिशा दिख नहीं रहा है। हो सकता है ज्योत्सना महंत फिर एक बार मार दे, हैट्रिक मार दे जी। तो ऐसा लगता है, क्योंकि अपना सरोज पांडे जी मैडम जो हैं वो बाहरी व्यक्ति हो जाते हैं, इसके वजह से यहाँ के जो व्यक्तियों लोगों का जो सोच है वो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो उसको साथ दे पाएंगे। बाहरी व्यक्ति है या फिर ज्योत्सना महंत ने कुछ यहाँ पर काम किया है क्या? ज्योत्सना महंत को हालांकि यहाँ कोई काम नहीं की है, कोरबा लोकसभा के लिए ज्योत्सना महंत ने कोई काम नहीं की है, ना उनको देखने को भी नहीं मिलता है। फिर से रिपीट करेंगे? फिर रिपीट करेंगी कह के लग रहा है मेरे को, अपना जो विचार है जी। आंटी, आप यहाँ पर इनको व्यायाम सिखा रही थी, व्यायाम सिखा रही थी यहाँ पर, रोज कितना रोज आती, कब से आ रही यहाँ पर आप लोग? 2014 से। क्या क्या तरीके के व्यायाम सिखाती हैं और कितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं? बहुत जने हैं हम लोग जी, बहुत ग्रुप है हम लोगों का, लेकिन अभी शादी विवाह में अभी नहीं आ रहे हैं, मतलब लेडीज जेंट्स करके हम लोग 20-25 जने हो जाते हैं। और सेहत के लिए सुबह टाइम कम से कम आधा एक घंटा समय निकालते हैं हम लोग, घरेलू महिलाएं हैं, और ये दुनियादारी को हम लोग नहीं जानते। घरेलू महिलाएं हैं आप लोग, घर का पूरा कामकाज देखती हैं, राजनीति कैसे देखती हैं आप? क्योंकि कैसे देखें राजनीति को, राजनीति हो रहा है जैसे नेता लोग करते हैं वैसे पब्लिक करती है, अब क्या करेंगे हम लोग। मोदी है इस बार की मोदी, क्योंकि मोदी का नाम, मोदी तो आएगा ही आएगा, हाँ ये बात प्रसिद्ध है, वो आएगा। घरेलू महिलाओं के लिए क्या उन्होंने सौगात दी? बहुत सौभाग्य काम किया है, ऐसे आज तक कभी किसी नेता ने नहीं किया। वो जैसे महिलाओं को अभी है वो
क्या अब योजना में मुद्रा योजना में पैसा डाल रहा है और उज्ज्वला गैस भी दे रहा है, और जैसे भी कुछ परेशानी आ रही है तो सब लोग वो लोग मतलब उसके लिए सहरानी करते हैं। ये आप लोग पूरा घर संभालती हैं है ना, किचन का पूरा खर्चा आप लोग को पता है कि कितना खर्च होता है यहाँ पर, महंगाई आप जानते हैं, बाजार का, किचन का, गैस का, किस तरीके से सर 10 साल हो गया तो सही है, आसमान छू रहा है महंगाई तो। और महंगाई तो बढ़ेगा ही, महंगाई बढ़ेंगे ही भाई। और एक घर में 4-5 गाड़ियाँ चलती है, जैसे बोलते हैं पेट्रोल बढ़ रहा है तो वो तो बढ़ेगा ना। हाँ, कहीं ना कहीं से तो निकलना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार आएगी तो आप लोग को राहत मिलेगी महंगाई से, किस तरह सरकार पर आप लोग? मोदी जी आएंगे तो सभी को भला होगा, हो भी रहा है। हाँ जी, ठीक है, ये बताइए कि अभी इस बार कैसा माहौल देखती है, मोदी का नाम चल रहा है और राहुल गांधी का, तो कौन अच्छा नेता है? अच्छा नेता ये है, न्याय करना है तो सबका न्यायक होना चाहिए। अजी सब खानगी निकाला है कांग्रेस पार्टी का, जनता पार्टी का भी खानगी निकालना चाहिए। वही लोग घोटाला थोड़ी किए हैं, सब लोग घोटाला किए हैं, ऐसे बात थोड़ी है। राहुल गांधी अगर कुछ भी बोल दे रहा है तो उसका ये आपत्ति कर रहे हैं, और वो बोलता है विदेशी औरत का लड़का है दो है, और नारी नारी एक होते हैं, तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? नारी का सम्मान करना चाहिए ना भाई, उसको अपमान कर रहे हैं। भारतीय नारी है, उसका बच्चा है, उसका बच्चा है, इसको जो भी बोल रहे हैं राहुल गांधी, उसको बोल रहा है कि राहुल गांधी खराब है, दोनों में ये हो रहा है ना टक्कर। तुम आप भी आपत्ति कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अपमानजनक वो भी कर रहा है, तो उसके लिए ये लग रहा है, धारा लग रहा है, और इसके क्या खानगी है तो सबके लिए काली है खानगी है। और वैसे ऐसे बोल रहे हैं कि मत बोलो, हम तो 15 साल से पेपर पढ़ते हैं, जान रहे हैं क्या राजनीति क्या कैसा है नव भारत। 15 साल 20 साल से भले 20 साल हो जाएगा तो उसमें ये बताइए, मोदी सरकार देश में 10 साल राज किए हैं, इस बार क्या लगता है मोदी को आना चाहिए, राहुल गांधी, आपका क्या मत? इस बार सरोज पांडे बाहर का आदमी, हमारा सोच से बाहर का आदमी उसके पास थोड़ी जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं। यहाँ के आदमी को जिताएंगे तो वो काम आएगा, बाहर का आदमी आके यहाँ राज करेगा तो अच्छा नहीं है। बाहर का आदमी है, वहाँ थोड़ी जाएंगे हम लोग महिलाओं को फिर यादने के लिए, यहाँ रहेगा तो यहाँ का आदमी जीतेगा तो यहाँ का को ये करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, और खास बात यह है कि महिलाएं यहाँ पर मुखर होकर बोल रही हैं, जब वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ के नहीं बोल रही हैं। क्या बताइए आप कौन सा जूस पी रही हैं? मैं ये क्या कहते हैं, जवारा और आंवला। कितना कितना फायदेमंद है शरीर के लिए? बहुत अच्छा फायदेमंद है। हाँ, अभी अभी उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल में चार्ज होता है वैसे बॉडी में चार्ज हो जाता है। अभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मोदी के बारे में बात की कि राहुल गांधी को हमेशा टारगेट मिला है, लिया जाता है, इस बार क्या होना क्या चाहिए? अब मैं उसको क्या बता सकती हूँ, उतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है। भैया बताइए कि आप यहाँ पर इतने साल से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, यहाँ भी राजनीतिक माहौल है, यहाँ पर लोग आते होंगे, कैसी चर्चाएं होती है राजनीतिक बारे में? चर्चाएं तो यहाँ पे डेली होती है ना, और लोग चाह रहे हैं कि मोदी ही आए, और निश्चित है कि आज, हालांकि दोस्ना मैडम कोरबा परिक्षेत्र से नहीं है, लेकिन आज बीजेपी जिस हिसाब से वर्क कर रही है उस हिसाब से ज्योत्सना महंत बिल्कुल जीत के जाएंगी, पक्की बात है। ज्योत्सना महंत जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सबके अलग अलग मत है, यहाँ पर सारे वरिष्ठ जन हैं जो हर रोज यहाँ पर सुबह व्यायाम करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और हम इनसे बात करेंगे क्या माहौल है दादा इस बार। इस बार तो ना अभी कह नहीं जा सकता कि किसका ये है, ये होता है कि कभी सरोज पांडे जी जाएंगे, कभी वो ज्योत्सना महंत का अभी ज़्यादा ये है, कहे लोकल है और वो तो उधर से दुर्ग के है। काम की अगर बात करें तो 5 साल तक सांसद रही हैं ज्योत्सना महंत, क्या क्या काम आप देखते हैं इस क्षेत्र? काम तो सही बात है, काम तो कुछ ये नहीं हुआ है, और दर्शन नहीं होता है, अभी चुनाव है तो देख रहे हैं, अभी जीत जाएंगे तो उसके बाद तो दर्शन नहीं होगा। तो फिर कैसे मतलब फिर से जीत आप बोल रहे हैं कि फिर जीतेगी? एक नहीं, लोकल के चलते बोल रहा हूँ, वैसे तो धाकड़ नेता अभी सरोज पांडे ही है। हाँ, और हिसाब से वैसे तो बीजेपी का लहर है, अब चांस उसी का है ज़्यादा, बीजेपी का लहर है। ये बताइए कि क्या देखते हैं आप, चाहे देश की बात करें, क्योंकि मोदी का चेहरा ही लड़ रहा है हर एक, तो मोदी जी के नाम से जो है पूरा देश जो है पूरा बीजेपी के पीछे मतलब समर्पित हैं कह दीजिए, और देश को तो तरक्की भी बहुत मोदी जी ने जो है बहुत आगे बढ़ा दिया ये 9-10 साल के अंदर, और 5 साल में जो है और जो है ना बहुत आगे बढ़ा देगा, ऐसा ये है, सभी खुश हैं।
देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए या आम जनता के लिए क्या देखते हैं, क्या काम बड़ा किया है मोदी जी ने जिससे लोगों को लाभ हुआ? अब लाभ तो सबको हो रहा है, सभी का तरक्की हो रहा है, गरीबी पूरा हट गया इससे जो है, काफ़ी लोगों गरीबी तो बहुत काफ़ी मतलब हट गया, काफ़ी मतलब आदमी हर कोई संपन्न हो रहा है, ऐसा मतलब कर दिए मोदी जी जो है। कोरबा में आप क्या देखते हैं, ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच टक्कर है यहाँ पर, देखते हैं कैसा? अब क्या है, यहाँ जो है सरोज पांडे के लिए थोड़ा बाहरी आदमी टाइप का हो जा रहा, बाहर से यहाँ नेता नहीं मिला ऐसा करके मतलब डाउटफुल है, बाकी लहर तो बीजेपी का ही है। देखिए लहर तो बीजेपी का ही है, और हालांकि साफ तौर पे जो वरिष्ठ जन है, जो शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरोज पांडे हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, इस वजह से उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये भी इनका दावा है, ये भी कहना है कि जो ज्योत्सना महंत है, जो वर्तमान सांसद है, उनके तरफ से भी कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया, और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर उनके दर्शन नहीं हुए 5 साल, हालांकि अभी चुनाव का वक्त है तो लगातार वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिलहाल ये आम जो कोरबा इलाके के, जो घंटाघर इलाके के, एमपी नगर इलाके के जो वरिष्ठ जन हैं, उनसे हमने बात की, और उनका उनके उनको जो नफ्स को टटोलने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन इस बार भी मोदी लहर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस रिपीट कर सकती है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, सम परिणाम के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर कांग्रेस फिर से वापसी करती है या फिर इतिहास दोहराता है। सहयोगी पवन के साथ लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज़, कोरबा।